कुछ और किसान भाई मेरे साथ हैं। दादा कहाँ से आए? हम आए बोदवाड़ा से। कहाँ पर आता है ये? धार के पास, धार जिला। धार जिले में हाँ। कौन सी लहसुन लेके आए थे, क्या भाव बिकी? यह ओटी लहसुन है। क्या भाव गई? यह 21,500। सैंपल है क्या कि भर लिया? ये लेके आओ ना सैंपल के साथ, भैया सैंपल दिखाना। ये वाला सैंपल है? ये वाला। तो ये क्या उम्मीद थी आपको, किस भाव जाने की उम्मीद थी? हमको थी मन के अब आज 17-18 चले जाएगी कभी है, पर आज 21 की गई है। वैसे एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपके लिए कि आज जो ऊटी में कुछ दामों की नरमी देखी जा रही है, तकरीबन 1,000-1,500 कम है, लेकिन आपके लिए ये लॉटरी लग गई है। लॉटरी लग गई। आपने 17 की सोचा था और 21 मिले, 21 मिला के 4,000 ज़्यादा मिले हैं। बीते दिनों हमारे कुछ किसान भाइयों से चर्चा हुई थी तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, 4 दिन इंतजार करा लेकिन 4,000 ज़्यादा उनको भी मिले। तो ये दामों में उछाल उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, पर बताया जा रहा है कि निर्यात खुलने के बाद निश्चित तौर से जो दामों में उछाल आएगा और ये जो अनुमान है कि जो निर्यात खुलेगा, एक्सपोर्ट खुलेगा, वो तकरीबन 7-8 दिन के बाद खुलने की उम्मीद है। देखना है कि कब निर्यात खुलता है और दामों में किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।